हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने एमएस वर्ड में इस तरह का नोटबुक कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम इस तरह का नोटबुक कैसे बनाते हैं। तो इस तरह का नोटबुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक ये नया पेज लेंगे हम, कंट्रोल एन मारेंगे, न्यू पे चल गए। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग करना होगा पेज का। ठीक है, पेज सेटअप आप किस तरह से करते हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रूलर, आप अगर रूलर पे डबल क्लिक कीजिएगा तो पेज सेटअप इस तरह से ओपन हो जाएगा। या फिर आप पेज लेआउट पे जाइएगा और यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन पे क्लिक कीजिएगा, कस्टम मार्जिन पे जाइएगा तो आपका इस तरह का पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। आप कहीं से भी पेज सेटअप को ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेज सेटअप ओपन कर लिए हैं। अब इस पेज सेटअप को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका टॉप का मार्जिन दे देंगे 0.1 इंच और बाकी का मार्जिन हम दे देंगे 0। ठीक है, बाकी लेफ्ट राइट जितना मार्जिन है सब का हम 0 यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और ओके करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे मार्जिन सेट हो गया। तो आप इस तरह से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है टेबल को। ठीक है, टेबल इंसर्ट करवाने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर टेबल्स मिलता है, आपको टेबल पर सिंपल क्लिक करना है। हमें यहाँ पर 3 रो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 3 रो और 1 कॉलम को हम यहाँ पर ड्रैग कर लिए तो हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे टेबल आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि जो फर्स्ट लाइन है उसे हमें रेड करना है और सेकंड नीचे वाले लाइन को भी हमें रेड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो डिज़ाइन का एक फॉर्मेट खुल जाएगा, डिज़ाइन का मीनू खुल जाएगा। आपको डिज़ाइन मीनू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पेन है, पेन कलर दिया हुआ है, आपको पेन कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कलर हम ले लेते हैं रेड। अब इसमें हमको फिल करना है रेड को, तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है, आप ड्रॉ टेबल पे जाके जैसे ही ड्रॉ टेबल पे क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरह का कर्सर बन जाएगा पेन की टाइप का। अब जाके इसे आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, देखिए क्लियर हो गया, इसमें कलर हो गया, इसमें भी कलर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऑफ कर देंगे तो कुछ आपका इस तरह का पेज बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें इसे करना क्या है कि टेबल को सारे पेज में अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम टेबल को यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके पहले हम इसका हाइट जो है हाइट हम 0 करेंगे। हाइट 0 करने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद इसका हाइट है हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ हाइट को 0 करना है, बाकी किसी को नहीं। 0 हो गया। अब हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से आपको इंटर प्रेस करना है और पेस्ट करते चलाना है। इंटर प्रेस कर रहे हैं, 1 इंटर और पेस्ट, हम यहाँ पे इंटर और प्रेस कर, कंट्रोल भी से पेस्ट होगा, हम कंट्रोल भी से पेस्ट करते चलाएं। एक इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से पूरा का पूरा पेज पर फिल कर लिए हम। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक टेबल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस टेबल पे क्लिक करेंगे हम, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे है डिलीट, इस टेबल को हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट टेबल। तो ये मेरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 2 या 3 इंटर मारना है। यहाँ पे इंटर हम मार लिए, ऊपर का पेज हम खाली कर लिए। अब देखिए नीचे क्लियर हो गया, एक पेज बन गया ये नोटबुक की तरह, अब यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें हमें करना है क्या कि लाइन ड्रॉ करना है इसमें। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको शेप लेना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाइए, शेप में जाइए, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन को शिफ्ट के साथ ड्रैग कीजिएगा तो ये सीधा लाइन आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे शेप पे जाएंगे, फॉर्मेट टेबल खुल जाता है इसका। फॉर्मेट टेबल पे शेप पे क्लिक करेंगे तो इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको इसका जो मोटाई है वो बढ़ाना है तो आप यहाँ से वेट इसका बढ़ा सकते हैं, 1 PT कर सकते हैं, या और बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसका मोटाई को 1.2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। उसके बाद इसको लेफ्ट एरो से लेफ्ट की ओर करेंगे, अप एरो से ऊपर की ओर करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से सेट हो गया और ऊपर वाले को भी थोड़ा सा इसको हम मिला लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हम ड्रैग कर लिए हैं लाइन को। अब हमें करना है क्या, एक लाइन इधर की ओर खींचना है हमें, तो वो हम कैसे करेंगे,
यहाँ पे इंसर्ट पे गए, एक लाइन हम यहाँ से सेप कर सेप ले लिए, सेप से हम यहाँ पे लाइन ड्रैग करेंगे, शिफ्ट के साथ लाइन को ड्रैग कीजिए ताकि वो लाइन सीधा आए, ठीक है। यहाँ से फिर से शिफ्ट के साथ पकड़ लीजिए, पूरा सीधा लाइट हो गया। अब यहाँ से लाइन को फिर से हम कलर करेंगे और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे और इधर लेफ्ट एरो से ले जाके और अप एरो से ले जाके इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये लाइन क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, कुछ डिज़ाइन देना है, तो इंसर्ट पे चल गए, शेप में चल गए। यहाँ पे है एक इस तरह का शेप ले लीजिए आप, यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर लीजिए और इसमें आपको जो लिखना है राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू टेक्स्ट करेंगे तो इसके अंदर टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें पेज नंबर, यहाँ पे हम पेज नंबर दे दिए और उसके नीचे हम यहाँ पे दे देते हैं डेट, ठीक है, कुछ इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद इसमें सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम फॉन्ट का कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। लाइन का कलर भी हम कर देंगे यहाँ से फॉर्मेट पे जाके रेड। तो कुछ इस तरह का आपका पेज डिज़ाइन हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें आपने सीखा कि कैसे हम पेज बना सकते हैं, नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।